हेलो एवरीवन। सो आज मेरे को पूरा 1 वीक हो गया है आई को ऑपरेट कराए हुए, और दिखाई खैर सब कुछ उसी टाइम से दे रहा था। मैंने आपको सारी वीडियोस दी हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, और आज है 7th डे। और कल शिवरात्रि है, वैसे तो फ्राइडे को कराया था, आज फ्राइडे ही है, फ्राइडे की शाम हो रही है। और इस टाइम तक मुझे 1 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा पेन था, बट आज मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। और मैंने ब्लैक वाला चश्मा भी साइड में रखा हुआ है आज, अपना आज ही रखा है, वैसे नहीं रख रखे था, और उसको रेगुलरली पहन दी थी। काफ़ी सारी वाइप्स आपकी यूज़ होने वाली हैं, बिकॉज देखो आपको फेस तो क्लीन नहीं करना। आज मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, थोड़ा सा बाल नहीं धोए इस वजह से, और फेस भी नहीं धो पा रही उस वजह से भी थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, लेकिन थोड़ी सी ड्राइनेस है आंखों में। उसके अलावा सिर्फ आंखों का अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, ड्राइनेस ड्राइनेस। सुबह जब आप उठोगे ना तब भी आपको ऐसा फील होने वाला है, थोड़ा सा सूखा सूखा सा बिल्कुल। मतलब जब आंखें खोलोगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपको, मुझे सिर्फ थोड़ी सी उस टाइम पे तकलीफ हो रही है, बाकी ऐसे दिन में सब कुछ दिख रहा है मुझे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप ब्लैक वाले चश्मे का यूज़ करना मत छोड़ना। मैंने देखा था वहाँ पर भी कि काफ़ी सारे लोग चश्मा हटा के आ रहे थे, मतलब 7-8 लोगों का ऑपरेशन हुआ था उस दिन, 3-4 ने चश्मा लगा रखा था, बाकी ऐसे थे, मतलब बिना चश्मे के थे। तो ब्लैक वाला चश्मा आप लोग की प्रोटेक्शन के लिए ही है, और आपको वो वाला नहीं यूज़ करना जो आपको वहाँ से मिलेगा, आपको यूवी प्रोटेक्शन वाला यूज़ करना है। उसका रिव्यू मैं आप लोग को डाल दूंगी। बाय द वे, जैसे मैं इतना जल्दी रिकवर हो रही हूँ, मैं आपको जैसे जैसा बता रही हूँ, हो सकता है आपके साथ थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। और आपकी आप क्या खा रहे हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, उस चीज़ का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाए, या फिर आपको ड्राइनेस की दिक्कत हो ही ना। अब अलग अलग कंडीशंस होंगी आपकी आंखों की, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोग को एक्सपीरियंस दे रही हूँ अपना, और हर एक चीज़ बता ही रही हूँ छोटे छोटे ब्लॉग्स में। और ब्लॉग्स में सॉरी ऐसे ही कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा शॉर्ट में निकल जाए, लेकिन शॉर्ट में हो ही नहीं पा रहा है, इतनी सारी बातें करनी पड़ रही है मेरे को आप लोगों के साथ। 1 वीक की शाम को मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे मैं पिछले 1 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब वो पेन पता है कैसा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था, इस आँख में हो रहा था पहले ऐसे करके, फिर इस आँख में हो रहा था इस तरह करके, मतलब चुभन टाइप थी एक टाइप की, और पेन भी पता नहीं अजीब सा ही कुछ था, बस मैं उस चीज़ को याद नहीं आना चाहती। थोड़ा सा आपको जो दिक्कत रहने वाली है उस जिस दिन ऑपरेशन होगा उस दिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है, बट उसके अगले दिन आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। मेरे को अभी मुझे याद नहीं है मैंने अपनी दवाई कहाँ रखी है, इतना देखो मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ का वो है कि पेन किलर मैंने फर्स्ट डे खाया था, जैसे ऑपरेशन हुआ था उसके तुरंत बाद खाया, देन रात के टाइम सोते हुए खाया था, उसके बाद मैंने तब से अब तक मुझे कोई पेन नहीं हुआ है ऐसा कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत पड़ी। हो रहा था काफ़ी मीठा मीठा सा दर्द होता है ना उस टाइप का, थोड़ा सा तो लगेगा ही ना, पेन किलर तो वैसे भी इतना नहीं खाना चाहिए, तो इस वजह से मैंने उसको खाया नहीं था। बाय द वे, आप लोगों की ना वाइप्स बहुत सारी लगने वाली है, क्योंकि ये एक ही दिन की वाइप्स है मेरी, आज आज की वाइप्स है, ये 7-8 वाइप्स है आई थिंक, और मैं बेबी चक्र की यूज़ कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जेंटल लगी है मेरे को। आप ना जॉनसन्स की या फिर हिमालय वगैरह की भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वैसे आप ना कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़े को निचोड़ के ऐसे साफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी आपको, कपड़े में हैंकी में ना थोड़े से उसके जो फैब्रिक होता है उसका दूसरे टाइप का होता है, वो आपकी आंखों में लग सकता है ना, तो आपको थोड़ा सा क्लीन का हाइजीन का मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि आपकी आंखों को दिक्कत ना हो, इस टाइप का कुछ यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसमें से निकाल रहे हो तो ये बिल्कुल क्लीन है ना, आप इसमें से इसको खोल रहे हो, आप इसको निकाल रहे हो तो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं लगा हुआ है, और ऊपर से ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो आपको इन सब चीज़ ये सब चीज़ों का ही यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।